सो लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर अपन कर रहे थे रिजल्ट्स इन टी। बोलो। यस सर। राइट, तो अपन ने आई थिंक एक ही करा था, नहीं दो कर लिए थे। पहला वाला क्या था, डबल ऑर्डिनेट फ्रॉम लेंथ ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट फ्रॉम टी, तो विच वॉज सुपर यूजलेस, कोई काम तो आएगा नहीं वो 480। बट सेकेंड वाला काम आएगा, वॉट इज द लेंथ ऑफ फोकल रेडियस, वॉट इज द लेंथ ऑफ फोकल रेडियस फ्रॉम टी, लेंथ ऑफ फोकल रेडियस वॉज ए प्लस 80 स्क्वायर। तो ये दोनों, मतलब फर्स्ट वाला तो क्या है, बट सेकेंड वाला तो याद रखना ही था। थर्ड वाला आई थिंक दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, सबसे पहले मैंने पूछा था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ऐसे एक पैराबोला है, ठीक है, इस पे कोई एक पॉइंट T1 है, इस पे कोई एक पॉइंट T2 है। तो व्हेन आई से पॉइंट T1 है, इफ यू रिकॉल दैट सिंपली मेंट द एक्चुअल कोऑर्डिनेट वुड बी AT1 स्क्वायर 2AT1 एंड 82 स्क्वायर कॉमा 2AT2, दिस थिंग। तो उसने पूछा था इक्वेशन एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप तो सिंपली क्या होता है, Y2 माइनस Y1, Y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन X कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दिस इज द स्लोप। ऑलराइट, तो विच इज क्लियरली, लुक एट दिस, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर विल बी दिस। तो ये कैंसिल हो रहा है इतना, तो ये बचेगा 2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये याद रखो, सबसे पहले ये काम आता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, ठीक है। एंड इक्वेशन के लिए क्या करोगे, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशन यहां से निकाल लोगे, ठीक है। y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप, इजी इनफ, टू पॉइंट फॉर्म, एक तरीके से स्लोप निकाला और पॉइंट स्लोप लगा दिया। तो ये जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं यार, कौन सिंप्लीफिकेशन करे, ये बचता है 2x माइनस y टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू जीरो, दिस इज वॉट यू विल बी लेफ्ट विथ, फाइनल रिजल्ट विल बी दिस। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, लास्ट टाइम मैंने बोला भी था ये वाला रिजल्ट काम आएगा कई बार, और अभी भी बोल रहा हूँ, दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेम्बर। बट एक चीज पहले से थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ, अच्छे से समझना ये बात को। ये देखो, ये जो आया है ना, जो दिस थिंग, जो दोनों रेड बॉक्स में जो अपन ने लिखा हुआ है, ये एक्चुअली देखो क्या होता है, स्लोप आया ये, दिस इज स्लोप एंड दिस इज इक्वेशन। तो ये बात याद रखो, ये वाला रिजल्ट यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है। इफ यू रिकॉल मैंने आपको सिखाया था कि स्लोप और इक्वेशन और ये सब चीजें चेंज होती हैं, बट जो एब्सोल्यूट रिजल्ट इन टी होते हैं, तो जैसे लेंथ लेंथ है, लेंथ इज इन टर्म्स ऑफ टी, लेंथ जैसी चीजें कभी चेंज नहीं होंगी, ठीक है, और रिलेशंस इन टी विल नॉट चेंज, बट स्लोप और इक्वेशन जैसी चीजें चेंज होती है। तो इवन दो दिस थिंग जो मैंने अभी निकलवा के रखा है, ये खाली किसके लिए अप्लीकेबल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आई हैव रिटन इट हियर ऑल्सो, बट ये इतना काम कर कि मैं तब भी सजेस्ट करता हूँ, याद रखो ये रिजल्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए चेंज हो जाएगा। इफ यू टेक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो तुम्हें समझ आ रहा है रिजल्ट चेंज हो जाएगा। रिजल्ट क्या चेंज होगा, समझ रहे हो, पॉइंट क्या होता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में पॉइंट हो जाता है 280 कॉमा 80 स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कुछ और ही रिजल्ट आएगा। बट तब भी इतना इम्पोर्टेंट है कि आप याद ही रख लो ये, बट दिस इज ओनली फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिजल्ट इन टी, सर दिस इज स्लोप एंड दिस इज इक्वेशन। हाँ, सो इक्वेशन में लास्ट में 2a T1 T1 है क्या, T1 T2, सॉरी माय मिस्टेक, T1 T2, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, मैं फोर्थ वाला भी बताता हूँ, इसको कॉपी करो, मैं फोर्थ वाला भी बताता हूँ, फोर्थ वाला भी आपको याद रखना है, बट ये वाला याद रख लो, थर्ड लिखो, कॉपी करो, मैं फोर्थ बताता हूँ।
ये प्रूव करना था और याद भी रखना था. इफ टी वन एंड टी टू आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड देन प्रोडक्ट ऑफ पैरामीटर्स विल बी माइनस वन. एक सेकंड को सेकंड भी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना. अच्छा सेकंड वाला तो लास्ट टाइम कर दिया था मैंने, कुछ लिखा ही नहीं है सेकंड के नाम पे. सेकंड वाला लास्ट लेक्चर ही वी डिड, लेंथ ऑफ फोकल रेडियस. चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है. क्या हुआ? वेट फॉर अ मिनट. ओके So continue. चलो सो इफ टी वन एंड टी टू आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कॉर्ड, तो इसका क्या मीनिंग था? टी वन एंड टी टू आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड. तो तुम्हें डायग्राम तो समझ ही गया होगा कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट. तो सेम चीज कि इस बार ये जो फोकल कॉर्ड है उसकी एक्सट्रीमिटीज टी वन टी टू है. तो ऑलमोस्ट प्रीवियस वाला डायग्राम, बट एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे दी है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड है, मतलब ये फोकस से पास होता है. रिमेंबर फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. देखो yes, sir. ये याद आ रहा है? अब याद क्या अब भी लिखा है ऊपर. अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इन द प्रीवियस रिजल्ट सिंपली एस ए कॉमा जीरो पुट कर दो और क्या. दिस इज कॉर्ड ज्वाइनिंग टी वन एंड टी टू, ये किसी भी टी वन टी टू को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है. बट अगर कॉर्ड जॉइनिंग टी वन टी टू इज ऑल्सो फोकल कॉर्ड, तो फोकस ए कॉमा जीरो मस्ट सेटिस्फाई, सीधी सी बात. तो एस ए कॉमा जीरो रखो, तो टू ए माइनस जीरो प्लस टू ए टी वन टी टू इज जीरो. चलेगा? वाई तो जीरो हो गया, तो खाली यू आर लेफ्ट विथ टी वन टी टू इज माइनस वन. ये रिजल्ट अप्लीकेबल एवरीवेयर. दिस रिजल्ट इज एब्सोल्यूट रिजल्ट इन टी वन एंड टी टू. ये टी वन टी टू में रिलेशन है, तो ये अप्लीकेबल एनीवेयर, कहीं पे भी यूज कर सकते हो किसी भी पैराबोला में. वैसे फिर भी बोल रहा हूँ 99% ऑफ द टाइम वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एक ही काम आएगा, बट तब भी सजेशन है टी वन टी टू कहीं पे भी यूज कर सकते हो. तो देखो इससे अपन कैसे कैसे यूज करेंगे. अपन इसको मैंने ऐसे और स्टेटमेंट में लिखाया था, तो अपन इसको ऐसे यूज करेंगे. देखो अगर फोकल कॉर्ड है और ये पॉइंट टी है, दिस इज अ पॉइंट टी एंड दिस इज अ फोकल कॉर्ड, तो अपन टी टू को डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ. बात समझ आ रही है? The other point can be written as minus one by t. T two is minus one by t one. तो ये t है तो opposite वाला minus one by t है. और अरे यार अच्छा डायग्राम. और simply ये अगर a t square comma two a t है, तो इसका coordinate हो जाएगा a parameter का square comma two a parameter. बात समझ आई क्या? Yes sir.
उसके पैरामीटर की जगह माइनस वन बाई टी रख दो, तो ए पैरामीटर स्क्वायर एंड टू ए पैरामीटर, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 का अपोजिट वाला पॉइंट ये होता है एक तरीके से। तो ये वाला सजेशन है कि आप याद रखें ये वाला, ठीक है। अरे जूम इन क्यों गया, सॉरी। तो मुझे क्या बताना था, देखो फिफ्थ वाला पॉइंट, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फ्रॉम टी, मुझे नेक्स्ट पॉइंट ये बताना था कि टी से पास होने वाली वो माइनस वन बाई टी कैसे आया। समय, सीधी सी बात, अगर ये टी है, मान ले ये टी है और ये टी टू है, सिंस दिस इज फोकल कॉर्ड, दिस इंटू दिस मस्ट बी माइनस वन, टी टू इंटू टी मस्ट बी माइनस वन, तो टी टू को माइनस वन बाई टी लिख सकते हैं ना, अपोजिट वाले को फर्स्ट वाले के टर्म्स में लिख सकते हैं, टी वन टी टू माइनस वन है, तो इसकी जगह माइनस वन बाई टी वन लिख दिया एक तरीके से, ठीक है। चलो एनीवे, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फ्रॉम टी, तो वी जस्ट नीड वन एक्सट्रीमिटी, दूसरा एक्सट्रीमिटी अपने आप आ जाएगा। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फ्रॉम पॉइंट टी, तो ये देखो ये भी आ जाएगा। पहले मैं रिजल्ट ही लिख देता हूँ ना, एकदम सिंपल सा रिजल्ट आता है, तो ये लिख ही देता हूँ। सो टी से ओरिजिनेट होने वाला फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, तो ए टाइम्स टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर। एक काम करो, कॉपी कर ही लो यार, इतना कॉपी कर ही लो। पहले ये रिजल्ट लिख देता हूँ, फिर प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। सो वो माइनस ए बाई टी स्क्वायर नहीं होगा क्या? माइनस ए बाई टी स्क्वायर क्यों होगा? ए पैरामीटर का स्क्वायर ना, ओके, है ना, ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, तो टी टू की जगह माइनस वन बाई टी वन रखना एक तरीके से, तो स्क्वायर के कारण इट डजंट मैटर। इसको कॉपी करो सर, टी वन टी टू इक्वल टू माइनस वन के नीचे क्या लिखा है? Anywhere, मतलब you can apply it for any parabola. This is true for any parabola. किसी भी parabola में, भले y square equals to 4x हो, x square equals to 4ay हो, product of parameters will be minus one. Parameters का product, ये coordinates का product नहीं है, parameters का product है। चलो हो गया इतना कॉपी सर, जस्ट मिनट यार। और वाले डायग्राम सिंपल, ये बात है कि अगर ये वाला पॉइंट टी है, अगर मैं इसको बी को मान लेता टी टू, तो सिंस दीज आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, टी इंटू टी टू की वैल्यू माइनस वन होती है, तो आई डोंट हैव टू कंसिडर टी टू अलग से, टी टू को मैं सीधे माइनस वन बाई टी ले सकता हूँ। तो मैंने बोला अपोजिट वाला अलग से एक और पैरामीटर मानने की जगह टी टू की जगह माइनस वन बाई टी ले लो, तो अगर ये वाले का पैरामीटर फिक्स है तो इसके अपोजिट वाले का भी फिक्स है माइनस वन बाई टी। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर टू ए टी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, बट टी टू की जगह माइनस वन बाई टी लिख दिया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो वॉट इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, देखो सीधी सी बात है, सिंपल सा है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड मतलब ये कि अगर ये तुम्हारा डायग्राम है, मान लो दिस इज योर डायग्राम, तो टी से एक यूनिक फोकल कॉर्ड निकलेगा, तो ये टी से यूनिक फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये बहुत सिंपल सा है बच्चों, बहुत सिंपल सा है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, मतलब लिटरली ये दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, या फिर लेंथ को तुम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ, ए बी जो लेंथ है फोकल कॉर्ड की लेंथ मांगी है, तो ए बी को मैं ए एस प्लस बी एस लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ए एस प्लस बी एस, बट ए एस को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, ए एस, ए एस इज कॉल्ड फोकल रेडियस, तो ए एस इज फोकल रेडियस फ्रॉम टी, तो फोकल रेडियस फ्रॉम टी, अगर इफ यू रिकॉल फोकल रेडियस फ्रॉम टी क्या होता है, ए प्लस ए टी स्क्वायर, ओके, देन बी एस इस फोकल रेडियस फ्रॉम माइनस वन बाई टी, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए प्लस ए पैरामीटर स्क्वायर,
तो इस पैरामीटर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस फाइन। तो देखो माइनस में आएगा था, अरे स्क्वायर है ना भैया, a प्लस a पैरामीटर का स्क्वायर, तो माइनस क्यों आएगा भाई, स्क्वायर हो रहा है ना, तो माइनस वन बाई टी का स्क्वायर वन बाई टी स्क्वायर ही होगा। तो ये क्या बन रहा है, देखो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू, हैंस द रिजल्ट ऐसा। तो a टाइम्स इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख सकते हो, डिस्टेंस फॉर्म में से भी आ जाता है, ऐसे भी जाता है, बट मैंने ऐसे लिख दिया। तो दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड फ्रॉम टी। तो कोई मुझे बताएगा कि इसकी लीस्ट मोस्ट वैल्यू क्या है, इसकी लीस्ट वैल्यू टू नहीं, टू नहीं, इसका लीस्ट मतलब शॉर्टेस्ट, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड कौन सा वाला होगा बताओ। सो फोर ए, मतलब ऐसे ऐसे ऑफ ऑल द फोर ए, मतलब समझ आया क्वेश्चन, समझा ना सबको, ये सारे फोकल कॉर्ड से इनमें तो स्मॉलेस्ट कौन सा वाला आ रहा है, लेटेस्ट रेक्टम, सो वर्टेक्स, आवाज आ रही है बच्चों अभी? Yes, 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 sir. अरे वो नेट चला गया था, पोपट हो गया था। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चलो हाँ, तो एज आई वाज सेइंग, इसका शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट लेंथ क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम। वो कैसे निकलेगा, सीरीज ही बात है, मिनिमाइज कर दो और क्या। तो टी प्लस वन बाई टी होल स्क्वायर याद आ रहा है, ए एम जी एम एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा था, ऐसे ही कोई पॉइंट नहीं है उसको लिखने का। फिफ्थ वाला भी कॉपी कर लो, लास्ट पार्ट नहीं समझा, समय कौन सा वाला पार्ट, आर यू अवेयर ऑफ दिस एएमजीएम याद आ रहा है, टी प्लस वन बाय टी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो टी प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर, तो इसका लीस्ट वैल्यू फोर है, तो इसका लीस्ट वैल्यू फोर है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम लेंथ। तो उन सब फोकल कॉर्ड्स में से, फोकस से पास होने वाली सारी कॉर्ड्स उसमें से सबसे छोटा वाला कॉर्ड होता है लेटेस्ट रेक्टम, दैट्स इट, ओके। इसको भी छाप लो। तो इसमें से अपन को सबसे इंपॉर्टेंटली सेकंड, थर्ड और फोर्थ याद रखना है, फिफ्थ वाला आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रह जाए तो कोई बात नहीं, डिराइव हो जाता है, बट एज लॉन्ग एज यू नो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ काफी काम आएंगे, अभी अपन आज ही का लेक्चर्स में देख लेंगे यूज होते हुए। अरे यार नेट बहुत हग रहा है आज, पता नहीं। अरे सीधी बात यार, t प्लस वन बाय टी का लीस्ट वैल्यू क्या होता है ए एम जी एम से, तो t प्लस वन बाय टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, तो इसके स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू हो जाएगा फोर, अगर ये लीस्ट फोर है तो ये ओवरऑल फोर ही लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। नहीं समय, अरे इट हैज टू पास थ्रू फोकस ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट फोकल कॉर्ड, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोकल कॉर्ड, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि एक पैराबोला है और ये उसका फोकस है,
तो ये भी एक फोकल कॉर्ड है, 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 ऐसे कर करके ऐसे ढेर सारी फोकल कॉर्ड है। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा इन सब में से? तो ये वाला होगा, ये जो वर्टिकल होगा ऐसे। ऑफ ऑल दोज लेंथ दिस वर्टिकल वन इज द स्मॉलेस्ट। ओके चलो नेक्स्ट ध्यान से देखो। अब ये हो गया अपना, ये वाला जो भी मैंने लास्ट लेक्चर बताया था ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चलो टेंजेंट्स। तो अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सर्कल याद है तो ये टेंजेंट्स में कुछ करना ही नहीं है, टेंजेंट्स हमेशा आपको याद ही रहेगा, मैंने ऐसा सिखाया था। ठीक है तो अच्छे से याद करते हैं वापिस से। अगर किसी को याद हो तो तीन फॉर्म ऑफ टेंजेंट सिखाई थी मैंने बच्चों, तीन फॉर्म ऑफ टेंजेंट सिखाई थी। पहला होता था कार्टेशियन, कार्टेशियन अगर याद आ रहा हो तो कार्टेशियन का मतलब क्या होता था? टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन ऑन पैराबोला, मतलब इसमें पॉइंट पैराबोला पर ही गिवन होगा। इफ अ पॉइंट इज गिवन ऑन द कर्व, इफ यू रिकॉल एक पॉइंट कर्व पर गिवन है तो उसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? याद आ रहा है कुछ रिजल्ट? याद है t इक्वल टू जीरो। हाँ तो अगर मैं पैराबोला ले रहा हूं बच्चों y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन तो t इक्वल टू जीरो ही होती थी। तो इसका t इक्वल टू जीरो देखो क्या बन रहा है, y स्क्वायर की जगह y y वन और कांस्टेंट तो छोड़ दो, x स्क्वायर कुछ है नहीं, x की जगह x प्लस x वन बाई टू। याद आ रहा है y स्क्वायर की जगह y y वन, x की जगह x प्लस x वन बाई टू, दैट्स इट। ये रहा, दैट्स इट। सर सर्कल्स में आपने जो सिखाया था ये जनरल था ना? हाँ बस। तो इफ एनी पॉइंट इज गिवन तो उसी पॉइंट पे टेंजेंट टी इक्वल टू जीरो। अगर पैराबोला ये होता है बच्चों, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होता है अगर, अगर तो इसका टी इक्वल टू जीरो क्या बनेगा? देन इसका टी इक्वल टू जीरो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बाई टू, तो ये बन जाएगा। तो वो हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज वी रिमेम्बर टी इक्वल टू जीरो आंसर इज देयर। तो आई होप ये सबको याद हो, कोई भूला नहीं हो और बहुत ईजी सी चीज है। तो आर वी गोइंग टू रिमेम्बर दिस अलग से सेपरेटली कि t equals to 0 is fine. Sir, t equals to 0 is fine. है ना? वो इसको अलग से याद रखना, t equals to 0 is good enough. और रखना याद तो रख लो, कोई बुराई नहीं है, मतलब क्या बोलूं? ठीक है? अब ध्यान से देखो, दूसरा फॉर्म किसी को याद है क्या? एनी चांस? मैंने तीन फॉर्म ऑफ टेंजेंट सिखाए थे, दूसरा होता था पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पैरामेट्रिक अगर आप लोगों को याद हो तो पैरामेट्रिक सर्कल में क्या हुआ था, मतलब एग्जैक्टली क्या था पैरामेट्रिक इक्वेशन? पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब था टेंजेंट एट थीटा, याद आ रहा है मैंने सिखाया था टेंजेंट एट थीटा, ऐसे टेंजेंट एट थीटा। तो इट वाज ऑलमोस्ट एज गुड एज कार्टेशियन फॉर्म, द ओनली डिफरेंस बिटवीन कार्टेशियन एंड पैरामेट्रिक वॉज in this case the coordinates were given as x1 y1 and in this case the coordinates are given in terms of parameter, parametric coordinates lene the agar yaad ho to. So tangent at p t matlab, aur agar y square equals to 4ax hai to literally we are asking for tangent at at square comma 2at chalega to apan upar nikal ke to rakhe hi hai na. This is equation of tangent at x1 y1. बस इस बार x1 y1 की जगह 80 square comma 280. So basically equation क्या आ जाएगी? y y1 equals to 2a into x plus x1. I hope सबको समझ आ रहा हूँ। तो घूम फिर के क्या बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है yt equals to x plus 80 square. Very 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 important result. इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। History में क्यों आ रहा है? हाँ, very important result. आप लोगों को याद हो तो मैंने कार्टेशियन पे कभी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने पैरामेट्रिक पे आपको ध्यान देने के लिए बोला था हमेशा। इसमें भी पैरामेट्रिक क्वेश्चन इज वेरी 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 यूजफुल, वेरी 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 यूजफुल। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है तो टेंजेंट ही आती है, yt इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। रट लो इसका स्लोप भी, रट लो स्लोप क्या आता है बच्चों? व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t? -1/2। नहीं नहीं -1/2 नहीं, 1/t आएगा।
y equals to mx plus c फॉर्मेट में लिखोगे तो 1 by t आएगा. अगर तुम ऐसे लिखोगे तो ये आएगा. तो अब इसका स्लोप माइनस a by b मतलब 1 by t आएगा. ठीक है. और देखो अलग से आपको इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है. Do we have to remember this अलग से? x square equals to 4ay अलग से याद रखना है क्या? इसमें literally tangent at t का मतलब क्या निकलेगा? Tangent at t का मतलब निकलेगा इसके parametric point पे tangent. तो 2at comma 80 square हो जाएगा. But ध्यान से देखो, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. इसको अपन comparison से कर सकते हैं. वैसे result लिखा देता हूं. ये बनेगा. इसको बट comparison से भी निकाल सकते थे ना. अगर y square equals to 4x का tangent ये है, तो x square equals to 4y का tangent क्या आएगा? Swap x and y. Literally swap x and y. Yes, sir. तो याद रखने की जरूरत नहीं है. xt equals to y plus 80 square अलग से मैं नहीं लिख रहा. अगर निकालना है तो comparison. Simple. खत्म. तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. We are good to go with this only. But आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ये y square equals to 4x के लिए था. इसके अलावा कुछ और निकालना है तो कंपेयर कर लो. ठीक है. तो दिस इज गुड इनफ. ये काफी यूजफुल रिजल्ट है. yt equals to x plus 80 square. रट लो. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t. ऐसा ऊपर बना देता हूं इसको. अच्छा ये शायद आपने कॉपी नहीं किया है. एक सेकेंड जूम आउट कर देता हूं. इसको कॉपी करो. कॉपी दिस. ये दोनों टेंजेंट. तो ये इतना इजी हो गया हमारे लिए कि हमको कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम सर्कल में इसको कर चुके हैं. बस सर्कल की जगह पैराबोला रखना है बस. स्लोप कैसे मिला? अरे भाई स्लोप सीधी सी बात है. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर. x माइनस वाई टी प्लस 80 स्क्वायर रीअरेंज करके ऐसा बन गया. तो स्लोप क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y. तो 1 बाई टी. ठीक है. स्लोप भी काम आएगा याद रखो. हाँ बोलो सर. वो पैरामेट्रिक वाला कैसा है एक बार वापस बता दो. क्या कैसे आए ये तो बता. टेंजेंट की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर वो सो के बाद आपने लिखा है ना, मतलब टेंजेंट का इक्वेशन कैसा है. सीधी सी बात देख सुन. समरी बता देता हूँ. कार्टेशियन और पैरामेट्रिक ऑलमोस्ट सेम है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे पॉइंट एक्स वन वाई वन जैसा दिया होगा और यहाँ पे पॉइंट 80 स्क्वायर 280 दिया होगा. मतलब दिस इज लाइक अ प्रॉपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ t. तो यही का यही रिजल्ट उठा के चिपका दे यहाँ पे. यही वाला रिजल्ट t इक्वल टू जीरो लगाया मेरे दोस्त मैंने. बट इस बार x1 y1 की जगह 80 स्क्वायर 280 रख दिया. तो y y1 तो ये तेरा y1 हो गया इज 2ax plus x1. समझा? हाँ सर समझा. बस अपन ने उस टाइम भी वही किया था सर्कल में. देख सर्कल में मैंने क्या सिखाया था. ये बनता था x x1 plus y y1 equals to r square. सर्कल में ये बनता था. फिर अपन ने पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या किया था. सिंपल सी बात है. इंस्टेड ऑफ x1 r cos theta रख दो एंड इंस्टेड ऑफ y1 r sin theta रख दो. जस्ट दैट पॉइंट्स आर इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो तुम्हारा ये इक्वेशन मिलता था याद है. x cos theta plus y sin theta equals to r. चलेगा? यस सर. हां सर याद है. हां बस बस वही किया मैंने यहां पे भी. पॉइंट को x1 y1 की जगह पैरामीटर के टर्म्स में रख दो. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रख दो. तो तुम्हारा पैरामेट्रिक टेंजेंट आ गया. बट ये रिजल्ट रटना है अभी के अभी. yt equals to x plus 80 square. You have to memorize this result.
चलो बढ़े आगे। Yes, तो ये आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो मैं उसी फ्लो में जा रहा हूँ जिस फ्लो में मैंने सर्कल कराया था आप लोगों को, कुछ नया नहीं है, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे टी आ गया, वहां पे थीटा होता था। अच्छा, ये रिजल्ट आई एम नॉट श्योर कि मैंने बताया था नहीं बताया था, बट ये जो रिजल्ट है पैराबोला में तो बहुत काम आएगा, सर्कल में बताया भी हुआ तो काम नहीं आया होगा ज्यादा। ये वाला रट लो, एक पॉइंट है, रिमेम्बर दिस पॉइंट, अभी के अभी बता देता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट टी वन एंड टी टू, ऐसा मैंने शायद बताया था क्या सर्कल में, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा? हाँ सर बताया था, वो अल्फा और बीटा लेके बताया था। हाँ वो, बट काम नहीं आया होगा तो मैंने कभी उसको ज्यादा मतलब ऐसे पॉइंट आउट भी नहीं किया कि सर एक भी क्वेश्चन में काम ही नहीं आया वो। हाँ मतलब जबरदस्ती काम लाना चाहो तो ला सकते हो, बट ठीक है अब जाने दो, बट इसमें काम आएगा, इसमें मैं पहले ही बोल देता हूँ इसमें काम आएगा। तो वो वाला अगर भूलना भी है तो भूल जाओ, ये वाला मत भूलना, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट टी वन एंड टी टू, मतलब लिटरली आपका पैराबोला है और पैराबोला पे एक पॉइंट ले लो टी वन, कहीं पे भी हो सकता है, एनी वेयर, मैं तो ऐसे सुंदर वाला ले रहा हूँ टी वन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, एंड देन टी टू कैन ऑल्सो बी एनी वेयर, बोथ कैन बी ऑन द अपर पार्ट, बोथ कैन बी ऑन द लोअर पार्ट, एक ऊपर एक नीचे, कुछ भी हो सकता है, डोंट गो विथ जस्ट दिस डायग्राम, इट कैन बी एनी थिंग। और उसके बाद ये, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट आर, आर का कोऑर्डिनेट ये आता है, इतना सुंदर रहता है कि आपको अपने आप याद ही आ जाएगा, ए टी वन टी टू ए टी वन प्लस टी टू ए टी वन टी टू ए टी वन प्लस टी टू ए टी वन टी टू ए टी वन प्लस टी टू, ये रिजल्ट आ रहा है। कैसे आएगा देखो, बहुत ईजी है, एक लाइन में आ जाएगा, लिटरली उसने जो मांगा है वही निकालना है अपन को, व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट टी वन एंड टी टू, तो सॉल्व टेंजेंट्स, टी वन पे टेंजेंट ये बनेगा कि नहीं बच्चों, टी वन पे टेंजेंट ये बनेगा, टी टू पे टेंजेंट ये बनेगा, और दो लाइन को सॉल्व करने के लिए बोला तो लिटरली सॉल्व कर दो, और सॉल्विंग पार्ट भी इसका मुश्किल नहीं है तो मैं दिखा भी देता हूँ, सब्ट्रैक्ट ही कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, वाई टाइम्स टी वन माइनस टी टू, एक्स तो वैनिश हो गया, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर मतलब ये बच रहा है, दिख रहा है क्या, जल्दी बताओ आपके को, दिख रहा है रिजल्ट, ये सिंपल टी वन माइनस टी टू कैंसल्स आउट, सो यू कैन जस्ट सी वाई इज कमिंग आउट टू बी ए टी वन टी टू, टी वन प्लस टी टू, एंड अगर वाई को मैं वापस से ये रख देता हूँ तो एक्स का वैल्यू ये आ जाता है, मतलब ठीक है पूरा क्या सॉल्व करके दिखाऊं, बस दैट्स इट। तो ये वाला पार्ट राइट साइड वाला मत लिखो, डोंट राइट दिस, इट्स अंडरस्टूड, बट ये कोऑर्डिनेट बहुत काम आएगा, आज हम काफी क्वेश्चंस करेंगे इस पे, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, ठीक है। कैन देयर बी टू टेंजेंट्स इंटरसेक्टिंग एट वर्टेक्स, बिल्कुल भी नहीं समय, इम्पॉसिबल, हाउ कैन टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट वर्टेक्स, नो पॉसिबल ही नहीं है, वो जब ही पॉसिबल होगा जब दोनों पॉइंट्स ही वर्टेक्स ही हो, वर्टेक्स पे टेंजेंट बना दो बार तो वर्टेक्स पे मीट कर रहे हैं एक तरीके से, नो दे कैन नॉट मीट एट वर्टेक्स टेक्निकली, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट भी लिख लो, ये तो ऑप्शनल है, इसको मत लिखो राइट साइड वाला यार, Nobody cares. ये कोई नहीं, सीधी बात सर आप वापस दिखा सकते हो क्या? क्या सर इसका प्रूफ? अबे सॉल्व कर ले दो लाइन रे बाबा, दो लाइंस को सॉल्व करना आता ना, टू इक्वेशन टू वेरिएबल, सॉल्व कर ले बस, इतना लिख देता हूँ, इनको सॉल्व करो टू गेट आर, छोड़ना क्या करना कैलकुलेशन का, ये आता है बस, कोऑर्डिनेट याद रख ले बस, रिमेम्बर द कोऑर्डिनेट, दैट्स इट। तो इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड टी वन एंड टी टू इज आल्सो गिवन बाय ए टी वन टी टू ए टी वन प्लस टी टू, ठीक है? यस सर। हाँ
और थर्ड फॉर्म ऑफ टेंजेंट को याद दिलाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म। हाँ वेरी गुड, तो थर्ड फॉर्म ऑफ टेंजेंट भी बता देता हूँ, बहुत इजी सा है बच्चों, इसको काफी तरीके से डिराइव कर सकते हो आप लोग, आपको जैसे डिराइव करना है आप डिराइव करो, बट मैं एक बार स्लोप फॉर्म याद दिला देता हूँ कि स्लोप फॉर्म डिफाइंड कैसे था, व्हाट वाज द लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म, हाउ एग्जैक्टली आर दीज टू डिस्टिंग्विशेबल एंड डिफाइंड। तो आई थिंक पैरामेट्रिक फॉर्म तो बहुत इजी टू रिमेंबर है कि पॉइंट टी दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है टी के होगी, बट स्लोप फॉर्म में क्या होता था, अ लाइन ऑफ स्लोप एम, अ लाइन ऑफ स्लोप एम इज टेंजेंट, मतलब तुमने स्लोप फिक्स कर दिया, बस खाली स्लोप गिवन है, ये बोल दिया कि इतने स्लोप का लाइन अगर टेंजेंट होगा तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसा टाइप का। इफ टेंजेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वर्टेक्स, टेंजेंट्स अगर ओरिजिनेट फ्रॉम वर्टेक्स कर रहे हैं तो दे आर बोथ लाइंस टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो वो लाइंस कोइंसाइड ही कर जाएंगे एक तरीके से। सत्या आई होप दिस टेक्स केयर ऑफ योर डाउट, अगर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट ही हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, फिर ये रिजल्ट का कोई मीनिंग ही नहीं था। चलो एनीवे, अ लाइन ऑफ स्लोप एम इज टेंजेंट, तो अपन कैसे स्टार्ट करते थे याद करो, देखो डेरिवेशन अगर आप लोगों के पास सर्कल के नोट्स हैं आपके तो उसमें भी देख लो, अपन ये कर रहा था अ लाइन ऑफ स्लोप एम इज टेंजेंट, तो अपन क्या स्टार्ट करते थे, लेट द लाइन बी वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें अभी नोन कौन है एम, इसमें अननोन कौन है सी, ओके Let the line be y equals to mx plus c. तो मैं इसको बच्चों दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूं कि भैया we have to get c, ठीक है, तो मतलब get c such that it is tangent to y square equals to 4ax. किसी को याद आ रहा है सर्कल के लिए अपन ने ये निकाला था, सर्कल के लिए ऐसा आता था y equals to mx plus minus r into root 1 plus m square. Yes sir. अब ध्यान से देखो सर्कल में निकालना दिस वॉज रिलेटिवली इजी है, क्यों, क्योंकि सर्कल में अपन लिटरली ये बोलते थे कि अब ये टेंजेंट है तो P इक्वल्स टू R, याद आ रहा है कुछ, इफ इट इज टेंजेंट देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये बन जाता था और उसको रेडियस रख देते तो सीधे एक ही लाइन में आ जाता था, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो और सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, पैराबोला में क्या लगाऊं, पैराबोला में ऐसा कुछ है बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू रेडियस, नहीं है ऐसी ज्योमेट्री पैराबोला में अवेलेबल नहीं है, तो फिर पैराबोला में कैसे टैकल करेंगे उसी कॉन्सेप्ट को, ये देखो दो तरीके से टैकल करना बताता हूं, ये लाइन आई एम अज्यूमिंग दिस लाइन इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो मेथड वन क्या होगा, सॉल्व देम, इनको सॉल्व कर लो, मतलब वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस यहां पे पुट कर दो, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जल्दी बताओ, यस विच इज क्लियरली क्या ये, व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक इन एम, नहीं अभी नहीं 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 अभी तो क्वाड्रेटिक इन एक्स है, पहले तो क्वाड्रेटिक इन एक्स है, एम तो गिवन है, M given है, don't worry about that. ये quadratic in X है. तो इसका सबसे पहले देखो quadratic का मतलब क्या होता है, दो roots. तो इसका interpretation क्या निकल रहा है कि एक parabola है और एक line है y equals to mx plus c. तो अगर इन दोनों को solve करता हूँ तो quadratic बननी भी चाहिए थी और बनी भी, क्यों, कि अगर मैं एक line और एक parabola को observe करता हूँ तो कितने points पे दो intersection point. दो intersection point. तो obviously बात है दो intersection point हो सकते हैं तो quadratic बननी चाहिए. Quadratic का मतलब ही हुआ कि दो पॉइंट, सीधी बात, ठीक है. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये लाइन क्या चाहिए स्पेसिफिकली, टेंजेंट, टेंजेंट, तो टेंजेंट है तो क्या होना जरूरी है बताओ, सर टू सेम, क्या लगाऊं, मतलब क्या लिखूं यहाँ पे, सर डी जीरो, वेरी गुड, कितने बच्चों को समझ गया ये, अगर ये टेंजेंट है तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद द पैराबोला मस्ट बी सेम ना, दो पॉइंट इक्वल इंटरसेक्शन पॉइंट आने चाहिए, मतलब इक्वल रूट्स आनी चाहिए, अगर डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है और इक्वल रूट आ रहे हैं तो, और ये क्या कर लिया बाप रे, हाँ और इक्वल रूट आ रहे हैं तो टच करता है, सीधी सी बात, ठीक है, तो डी जीरो रखो, तो डी जीरो रखने के बाद मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दूं कि कैलकुलेशन दिखाऊं, दिखा नहीं मैं नहीं दिखा रहा, बोर होता है सर, पूछा किस ऐसे ही, मतलब रीड बिटवीन द लाइंस यार, समझ जाएगा, मेरा भी मन नहीं है,
ये बचता है इवेंचुअली, करके देख लो नोटबुक में अगर ऐसे स्क्रिबल करना है तो डू इट, ये बचता है सिंपल सा, वो सब कैंसिल हो जाता है. यू आर ओनली लेफ्ट विद सी इक्वल्स टू ए बाय एम. तो सी की वैल्यू आ गई बच्चों ए बाय एम. अगर सी ए बाय एम होगा तो ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट. तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या बन रहा है बच्चों, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. इज दिस ओके? यस सर. तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट रिजल्ट, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट रिजल्ट, यू कैन रिमेंबर दिस, कोई बड़ी बात नहीं है. बट ये मेथड वन हुआ, दिस वॉज नॉट एन एलिगेंट मेथड. ये मेथड ऐसा है कि हाँ ठीक है, मतलब हमें मैथ्स आता है तो कर लिया हमने, थोड़ा सा और बेटर. जैसे ये बच्चों ये भी समझो मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये खाली ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ है और लाइक क्या बोलूं, ये एक तरीके से मेथड्स भी है बच्चों. मतलब यू मे बी एबल टू यूटिलाइज दीज थिंग्स एज मेथड्स, यू मे बी एबल टू यूटिलाइज दीज थिंग्स एज मेथड. मैं तुम्हें सोचना भी सिखा रहा हूँ साथ ही साथ. तो इसलिए सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पसंद नहीं आया कि क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट जीरो, ये तो बच्चों वाली मेथड है, तो थोड़ा सा ऐसे भी सोचो. देखो अपन ने क्या बोला है, ये लाइन टेंजेंट होनी चाहिए, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होनी चाहिए, है ना, इस टेंजेंट. तो एक काम करो, एक टेंजेंट तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि ये लाइन हमेशा टेंजेंट होती है. कौन सी वाली, ये देखो, ये निकाल के रखिए, कितने बच्चों चले गए, वाई टी इज एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वाई टी इज एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये बच्चों हमेशा टेंजेंट होती है, is always tangent, है ना. तो अगर ये लाइन भी टेंजेंट है और ये लाइन भी टेंजेंट है तो क्या कर लो, अगर ये टेंजेंट है तो ऐसी दिखनी चाहिए, इफ दिस इज अ टेंजेंट इट मस्ट बी इन दिस फॉर्म इवेंचुअली. तो क्या कर लो दोनों को, सीधी बात कंपेयर चलेगा कि यार ये टेंजेंट होनी चाहिए, इफ इट्स अ टेंजेंट देन इट शुड लुक लाइक अ टेंजेंट, बट अ टेंजेंट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस. तो अगर ये दोनों सेमी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो कंपेयर कर लो, तो क्या बन जाएगा, x x अपॉन x ऐसे, y अपॉन y ये बच रहा है एंड कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट ये बच रहा है. चलेगा क्या सबको, a1 by 2 is b1 by 2 is c1 by c2. तो अपन को बच्चों m गिवन है, ना तो t गिवन है ना c गिवन है, तो वी हैव टू गेट c एंड वी हैव टू गेट इट ऑफ t. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन समय ये वाले ले लिया यार. ये देखो ये लाइन हमेशा टेंजेंट होता है कि नहीं, yt equals to x plus at square, this line is always tangent to parabola. तो मैंने बोला कि अगर ये टेंजेंट है then it should look like a tangent, but we already know a tangent of parabola, ये लाइन हमेशा टेंजेंट होती है, तो ये भी टेंजेंट है, तो एक तरीके से कंपेयर कर लिया मैंने. ठीक है, तो देखो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, नहीं t नहीं निकालना है मुझे, नहीं t निकालना है, t की वैल्यू 1 by m आ रही है इन दोनों से, यहाँ से ये आ रहा है, और एक्चुअली में टी नहीं निकालना, एक्चुअली में सी निकालना है. तो सी की वैल्यू क्या रही है इन दोनों से, ए टी मतलब ए बाय एम. तो ये तुम्हारा फाइनली टी एलिमिनेट करके सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड एम आ गया. सो फिर से वही रिजल्ट आ गया, दिख रहा है क्या, सी की वैल्यू हैज कम आउट टू बी ए बाय एम. फाइनल रिजल्ट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम. तो लेट्स लाइक सम दिस अप, पैराबोला हैज थ्री टेंजेंट्स, सॉरी पैराबोला हैज थ्री फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट. पहला कार्टेशियन, Cartesian has always been the same and it will always be the same. T equals to zero. So, तुम्हें कोई सा भी parabola given हो, y square equals to 4ax, x equals to 4ay, you always apply t equals to zero. खत्म. दूसरा वाला, parametric. तो parametric आता है yt equals to x plus ct square. और उसमें एक important sub result, ये वाला याद रख लो. और y square equals to 4x का normal form क्या होता है? Sorry, क्या बोल रहा हूँ? y square equals to 4x का slope form of tangent क्या होता है? y equals to mx plus a by m. क्या ये ठीक है? सबको चलेगा? यस सर. तो ये वाले तीन रिजल्ट हो गए. अब आज अपन इससे ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अब इस पर अपन प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, बहुत थ्योरी होगी इस पर, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे. तो इसको भी कॉपी कर लो और मेथड वन मेथड टू दोनों लिख लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूटिलाइज कर सकते हो. ठीक है, इसको कॉपी करो. तो बस तीन चीजें याद रखनी है, टी इक्वल्स टू जीरो. मैं तो बोल रहा हूँ कि 90% ऑफ द सम्स विल बी डन बाय दिस ओनली. अगर तुम्हें स्लो फॉर्म ऐसा लगता है कि इट्स अ ड्रैग, मुझे यूज नहीं करना है, तो चलेगा, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. बट मैंने स्लो फॉर्म बताना था तो बता दिया, ऑफिशियली पता तो होना ही चाहिए. वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, बस ये तीन चीजें. ठीक है,
सर थोड़ा ऊपर है, बस 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 सर। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ सर। कोनिक्स का पीडीएफ भेज सकते हो क्या? कोनिक्स का पीडीएफ मतलब बुकलेट की क्या बोल रहे हो? हाँ सर बुकलेट, बट सेपरेट बुकलेट यार। पैराबोला का अलग है, एलिप्स का अलग है और हाइपरबोला का अलग है। तो अभी आप नहीं दे रहे ना बुकलेट से? नहीं मैं खुद लिख के दे रहा हूँ, बट मैंने पैराबोला भेज चुका हूँ शायद मैं। यस सर पैराबोला भेजा। हाँ पैराबोला ग्रुप पे होगा तो चेक कर लो, बाकी फिर जब इलिप्स स्टार्ट करेंगे तब इलिप्स भेज दूंगा। एक बुकलेट नहीं है, सिंगल नहीं है, तीन सेपरेट बुकलेट है। चलो तो ये पहला क्वेश्चन ही अच्छा है बच्चों, पहला क्वेश्चन ही अच्छा है, ठीक है? इसी से सीखने को मिलेगा। अभी तक अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है, लेट्स सी तुम्हें क्लिक होता है क्या। थोड़ा सा विजुलाइज भी करो कि अच्छा मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या मांग रहा है वो, उसके बाद सॉल्व करने की भी कोशिश करो। वैसे अपन को खाली मैथमेटिकली सॉल्व करना है, विजुलाइजेशन इज एक्चुअली नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ गौरव, बट वो उसकी इक्वेशन निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन तो हो जाना चाहिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस रूट टू ए है और एक पैराबोला है, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे विजुअलाइज हो रहा है कि कॉमन टेंजेंट ऐसी बन सकती है टाइप। तो अगर कॉमन टेंजेंट बन सकती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो सोचो सोचो क्या करोगे। क्वेश्चन वन के सेकंड में दो पैराबोला बनेंगे ना? हाँ अरे दो पैराबोला दिए तो दो ही बनेंगे ना, मतलब एक y square equals to 4x और एक x square equals to 4ay। तो इन दोनों का कॉमन टेंजेंट विजुलाइज हो रहा है कैसा बनेगा, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू बोथ, ऐसा टाइप का। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ढूंढना है। तो वर्किंग दोनों क्वेश्चन की दोनों पार्ट की सेम है, बट सोचो क्या करोगे।
चलो तो ये क्वेश्चंस कॉपी कर लो अच्छे से, मैं और देता हूँ, बट पहले ये प्रैक्टिस सम्स हैं, ठीक है? काफी सीखने को मिलेगा इनसे, कैसे करना है, क्या करना है। कुछ कुछ ऑन द स्पॉट बनाता हूँ सुमित, कुछ कुछ ऑन द स्पॉट बनाता हूँ और कुछ कुछ एक्चुअल सम्स भी है। जैसे ये दोनों तो ऑन द स्पॉट ही बनाए अभी, ये भी ऐसे ऑन द स्पॉट पूछ लिया, बट क्वेश्चन थ्री के चारों पार्ट एक्चुअल सम्स हैं, मतलब याद है मुझे एक तरीके से, बट क्वेश्चन वन एंड टू ऑन द स्पॉट बन गए। पहले का कोई आइडिया देगा मुझे कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने लिख दिया है, सिखाया मैंने कुछ भी नहीं है, बस मैंने पूछ लिया सीधे, तो क्या करे बताओ। अच्छा क्वेश्चन पैराबोला नहीं है शायद। क्या क्या क्या, कैन यू रिपीट दैट? पैराबोला नहीं है y square is equal to 8ax वाला। क्यों नहीं है पैराबोला? बिल्कुल पैराबोला है, इसका कैपिटल ए बस 2a है और क्या। इफ यू कंपेयर मतलब इसका लेटेस्ट रेक्टम लेंथ 8a है। मैं कुछ भी दे सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे मेरी मर्जी, मैं 16x दूं, 4x दूं, कुछ भी कांस्टेंट दे सकता हूँ। कांस्टेंट से पैराबोला की वो थोड़ी चेंज होगी, बस कांस्टेंट मतलब कोई ऐसा है ऐसा टाइप का होगा। तो मेरी मर्जी, मैं 4x दूं, 8x दूं, 10x दूं, 16 दूं, वो मेरे ऊपर है। कांस्टेंट टर्म कुछ भी दे सकता हूं मैं। पैराबोला है वो, ऑफकोर्स पैराबोला है। बताओ कैसे सॉल्व किया जाए, मैं आइडिया शेयर करो बच्चों। उसने बोला है एक ये वाला पैराबोला है और एक ये सर्कल है, तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू बोथ, उसकी इक्वेशन ढूंढ के बताओ, ऐसा टाइप का। तो कैसे स्टार्ट किया जाए, अ लाइन विच इज टेंजेंट टू बोथ, सॉल्व देम, गेट कॉमन पॉइंट्स एंड टी को सुजीरो। नहीं सार्थक, सार्थक नहीं। अगर मैं सर्कल और पैराबोला सॉल्व करूंगा, इफ आई सॉल्व सर्कल एंड पैराबोला, तो मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे सर्कल का टी को सुजीरो और पैराबोला का टी को सुजीरो, तो वो तो कुछ और ही मिल रहा है। मुझे तो कॉमन टेंजेंट चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टेंजेंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट, आई वॉन्ट टेंजेंट विच इज कॉमन टू बोथ। दो टेंजेंट्स मिल सकते हैं। हाँ दो टेंजेंट बन सकते हैं, वो अपने आप आ जाएंगे, चिंता मत करो। मैं स्टार्ट कैसे करूं, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ मुझे। देखो कॉमन टेंजेंट जो मैंने बोला उसको अच्छे से पकड़ो, कॉमन टेंजेंट मतलब इसका टेंजेंट इसको भी टेंजेंट है, इसका टेंजेंट इसको भी टेंजेंट है, दोनों का टेंजेंट लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे? नहीं, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। क्या करूं वापस से बोलो। दोनों का टी इक्वल टू जीरो वैसे टेंजेंट्स निकाल के फिर सॉल्व करेंगे। दोनों का स्लोप सेम होगा। दोनों का स्लोप सेम होगा। और तो फिर उसको यूज कैसे करूं, सोच के तो बताओ। C equals to A by M. Further, Sanika, what else? नहीं तन्मय, you cannot use perpendicular distance from center. Parabola में पैराबोला में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर नहीं, सर्कल के लिए बोलना चाह रहे हो तो चलेगा, बट तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं कैच कर रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं कैच कर रहे हो। देखो इसका टेंजेंट, अ टेंजेंट ऑफ दिस, अ टेंजेंट ऑफ दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू दिस, मतलब इसका टेंजेंट और इसका इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। हाँ सानिका वो तो अपन कर लेंगे, वी विल डू दैट ऑफ कोर्स, बट उसके बाद क्या करेंगे, उससे क्या मिलेगा? अ टेंजेंट ऑफ दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट ऑफ दिस। देखो मैंने अभी बताया है सॉर्ट ऑफ, ऐसा नहीं कि आई हैव केप्ट यू एकदम हैंगिंग। ये देखो टेंजेंट ऑफ दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू दैट, तो ऐसे केस में सबसे ईजी क्या रहेगा? सर दोनों का टी को जीरो इक्वेट कर सकते हैं। सर क्या, सर दोनों का स्लोप। हाँ बोलो 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 बोलो। दोनों का स्लोप फॉर्म, दोनों का स्लोप फॉर्म, वेरी गुड, खत्म कहानी। दोनों का स्लोप फॉर्म यूज कर लो। देखो मैं कॉन्सेप्ट पकड़ो, इट डजंट इवन हैव टू बी स्लोप फॉर्म, इट कैन बी एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग अ टेंजेंट। इसका टेंजेंट, अबे इसका टेंजेंट तो ये होता है। अच्छा पहली बात ध्यान से देखना, ये कितने बच्चों को समझा इसका टेंजेंट ये होगा, किसी को कंफ्यूजन है? मतलब सॉर्ट ऑफ कंपेरिजन टाइप हो गया बच्चों, समझ आ रही मेरी बात? Yes. A by M, तो इसका एक्चुअल एक्चुअल A इसका क्या है, 2A है बच्चों, ठीक है ना?
इसका टेंजेंट क्या होता है? यस और नो? यस सर। यस सर। बट ये दोनों सेम ही लाइन है तो क्या करूं? दोनों का एम सेम है। कंपेयर, सीधी बात। ये लाइन इसको टेंजेंट होती है, ये लाइन इसको टेंजेंट होती है, बट उसने बोला कि एक लाइन दोनों को ही टेंजेंट है, मतलब एक कॉमन लाइन है, तो कंपेयर। वैसे कंपेयर है भाई, देखो रेशियो 1:1 है, समझ आ रहा है क्या? इक्विटी हो गया एक तरीके से, वो इक्विटी हो रहा है एक तरीके से। तो कैपिटल एम इज एज गुड एज स्मॉल एम, और कॉन्स्टेंट टर्म्स इक्वेट करोगे तो क्या बन जाएगा? 2a बाय स्मॉल एम इज प्लस माइनस रूट 2a इंटू रूट ओवर 1 प्लस कैपिटल एम स्क्वायर। तो लेट्स गेट रिड ऑफ कैपिटल एम। तो 2a बाय स्मॉल एम इज, मैं स्क्वायर भी कर देता हूँ, इसको पुट कर देता हूँ, स्क्वायर भी कर देता हूँ, तो ये क्या बन रहा है बच्चों? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। तो a स्क्वायर कैंसिल, ये बन रहा है बच्चों m रेज टू 4 प्लस एम स्क्वायर और माइनस 2 इक्वल टू 0। व्हाट डू वी गेट? एम स्क्वायर, आई थिंक वी आर गेटिंग एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ये डिस्कार्ड होगा, m कैन नॉट बी इमेजिनरी। तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है m की, प्लस माइनस 1। तो जो m सॉल्व हो क्या आ गया? तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक बार m को 1 रखो और एक बार m को माइनस 1 रखो, सीधी बात, नो बकवास, चलेगा? ये है कॉमन टेंजेंट। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया क्या? सीधी सी बात, अगर ये दोनों का एक टेंजेंट कॉमन है तो इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट कंपेयर कर लो, खत्म कहानी। और तुम्हें स्लोप फॉर्म की भी जरूरत नहीं थी, यू कुड हैव कंपेयर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म, यू कुड हैव कंपेयर्ड एनीथिंग, दोनों के पैरामेट्रिक भी कंपेयर कर सकते थे। देखो करके दिखा देता हूँ, रिजल्ट वही आएगा, डोंट वरी। इसका पैरामेट्रिक क्या है? yt equals to x plus at square, सॉरी ऐसे लिख देता हूं, x minus yt plus at square equals to 0। और वो सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बच्चों? x cos theta plus y sin theta equals to r। तो इनको नो कंपेयर करते तो भी वही आंसर आता, देखो कंपेयर करो, तो दिस अपॉन दिस sin theta अपॉन माइनस t इज इक्वल्स टू माइनस रूट टू ए अपॉन ए टी स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या रखना था? टी की वैल्यू निकाली ना, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है? 1 बाय टी स्क्वायर। साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है? 1 बाय टी। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी ना, सॉरी, रूट टू तो मिस ही कर दिया, तो ये 2 बन जाएगा। तो देखो वही इक्वेशन बन गए फिर से, एलसीएम लेके सेम टू सेम बातें आ रही हैं, चलेगा बच्चों को? वैसे की सिमिलर टाइप की इक्वेशन बन रही एकदम। तो आपको कंपेयर करना था बस, और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने मेथड 2 भी बताया था। किसी को कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो पूछो, ये वाला मैं रवि कर देता हूँ, वापस से सेम चीज को दो बार लिखने का क्या पॉइंट है? नो पॉइंट इन डूइंग दिस ऑल ओवर अगेन। आई होप यू अंडरस्टूड की कंपेयर करना था। तो यू कुड हैव यूज्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑल्सो, ठीक है? तो इसको कॉपी कर लो, सेकंड का आंसर फिर जल्दी से बताओ, सेकंड वाले का आंसर सबका आना चाहिए। अब इसको कॉपी करना है तो कर लो। तो दो ऐसी पॉसिबल टेंजेंट आई है, और जो बच्चा बोल रहा था ना कि सर ऐसे दो आ सकते हैं, दोनों आ गए, एक ऊपर और एक नीचे, वो आ जाएंगे अपने आप, डोंट वरी। ये m इक्वल्स टू 1 वाला है और ये m इक्वल्स टू माइनस 1 वाला है, ठीक है? सेकंड बताओ, और किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। इफ somebody is finding कि पता नहीं एकदम से क्या हो गया, तो पूछ लो।
हाउ डिड यू गेट द इक्वेशन ऑफ, अरे यार तरुण उसके लिए तो आपको स्लोप फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की स्लोप फॉर्म याद नहीं है क्या? सर्कल का स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट ये होता था तरुण, वही तो लगाया y equals to mx plus minus radius is, इसका radius root 2a है, into 1 plus m square, ठीक है? But जरूरी नहीं कि you have to use slope form, parametric form से हो जाएगा, as I said, तो slope form नहीं आ गया तो बचा क्या? बीच में कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे t equals to 0 compare कर लो, no, t equals to 0 compare करना अच्छी बात नहीं है, t equals to 0 मतलब x1 y1 x2 y2 ऐसे assume करना पड़ जाएंगी चीजें. Do not use t equals to zero. T equals to zero specifically कब use करना है? जब सच में तुम्हें point curve पे given हो और tangent मांगी हो. You find the equation of tangent at this point. तभी करना है, ठीक है? Second का answer आ रहा, कोई बताएगा? Y square equals to 4ax and x square equals to 4ay. इसकी common tangent ढूंढनी है. तो इसकी कॉमन टेंजेंट ढूंढनी है, मतलब इन दोनों की अलग अलग सेपरेट टेंजेंट्स निकालो और दोनों को क्या कर लो, दोनों की सेपरेट टेंजेंट्स निकालो और क्या कर लो, कंपेयर. तो इसका टेंजेंट पता है क्या? इसका टेंजेंट, हाँ यार अब भी ऊपर भी लिखा है, मैं तो पैरामेट्रिक यूज करता हूँ, तो आई ऑल्सो सजेस्ट यू रिमेंबर पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक इज इजीएस्ट. और इसका टेंजेंट अपन निकाल सकते हैं क्या? इसका टेंजेंट अगर वाइस हो जाएगा, हाँ तो बताओ क्या लिखूं, सोच के बताना क्या लिखूं, इसकी टेंजेंट क्या होगी? xt is equal to y plus 8 square. xt ध्यान से देख लो पहले एक बार, समझ रहे हो? By default you can not assume both as same parameters t. इसका small t लिया तो उसका parameter capital T मांगो. By default तुम दोनों को same कैसे ले सकते हो, ये बात समझ आती है क्या? This is some arbitrary tangent and this is also some random arbitrary tangent of this. But ye dono same line hai. Now compare. Ab whatever this gives you, that is fine. Ab compare karo. To pehle achche se likh leta hu, ruk jao. Dono ko proper format mein likho, phir compare karo. Nahi to gadbadi kar do. Sir. Haan. Sir, isme slope form bhi laga sakte hai kya? Bilkul laga sakte hai. Bilkul laga sakte hai. But sabse easiest hota hai parametric. Parametric ki equation almost rati hui hai. तो मैं तो पैरामेट्रिक ही यूज करता हूँ, ठीक है? ओके चलो, तो इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा? x अपॉन x इज y अपॉन y और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, तो t स्क्वायर अपॉन कैपिटल t स्क्वायर. तो अपन को t स्मॉल t या कैपिटल t इनमें से कोई सा एक सॉल्व करना है, सीधी बात. तो लास्ट टाइम m सॉल्व हो क्या गया था, इस बार स्मॉल t सॉल्व हो क्या जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी भाई. तो ये देखो पहले इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों से क्या मिल रहा है, स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी की वैल्यू वन होगी, फिर इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों से क्या मिल रहा है बच्चों, माइनस टी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर इज स्मॉल टी स्क्वायर, है ना? बट कैपिटल टी को क्या फीड कर सकते हो, कैपिटल टी इज वन बाय टी, तो टी क्यूब की वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो एक ही पॉसिबल टी आ रहा है माइनस वन, देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर स्मॉल टी माइनस वन, तो स्मॉल टी की वैल्यू आ गई. तो फिर फाइनल आंसर क्या है, इसमें स्मॉल टी पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या मिल जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ये बन जाएगा माइनस वाई इज एक्स प्लस ए और एक्स प्लस वाई प्लस ए इक्वल्स टू जीरो. क्लियर? आप एक बार स्लोप फॉर्म से भी दिखा सकते हैं, ठीक है कर लेते हैं स्लोप फॉर्म से, बट उसको लिखना नहीं है. जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स, इसका स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट बताओ. So y is equal to mx plus a upon n. हाँ, but इसका स्लोप फॉर्म निकाला क्या अपन ने अभी तक? इसका स्लोप फॉर्म निकालने में मेहनत हो जाएगी ना? So इससे भी वही आंसर आ रहा है, so मैंने इसे सीख लिया. आंसर तो वही आएगा obviously, but इसका स्लोप फॉर्म अपन ने निकाला है क्या? Yes sir. कहाँ निकाला इसका स्लोप फॉर्म, कहाँ निकाला अभी तक अपन ने? So इसका स्लोप फॉर्म नहीं निकाला. नहीं, वो निकालना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से मेहनत का काम हो जाएगा वो एक तरीके से. इसका स्लोप फॉर्म अलग आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, तो वो नहीं निकाले इसलिए मैंने प्रोसीड भी नहीं किया है. पैरामेट्रिक बेस्ट है, पैरामेट्रिक इज बेस्ट. किसी को कुछ पूछना है कि चलेगा, जल्दी बताओ. सबको
समर्थ क्या नहीं समझा? समर्थ वापस पूछ लो, अभी यहाँ पे लिखा है कौन सा स्टेप है क्या है, पूछ लो एक बार। तरुण कार्टेशियन फॉर्म जब यूज करते हैं जब उसने लिटरली पॉइंट कर्व पे दे दिया है कि 2.3 है और इस पे टेंजेंट बताओ, लिटरली। अदरवाइज टी इक्वल्स टू जीरो इज प्रीटी वेल यूजलेस ओनली। जब तक उसने पॉइंट कर्व पे नहीं दिया और पूछा नहीं तब तक टी इक्वल्स टू जीरो नहीं अप्लाई करते हैं। यूजुअली यू ऑलवेज अप्लाई पैरामेट्रिक और स्लोप इन सम केसेस। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो सर। हाँ सर, दूसरे वाले मेथड यानी स्लोप फॉर्म वाले मेथड से मैंने सॉल्व किया आपने तो बताया था कि स्वैप करने पे मतलब स्वैप कर लो एक तरीके से, ठीक है ऐसे ही ना? यस सर। मतलब ये जो लाइन है ये एक्चुअली टेक्निकली स्लोप फॉर्म नहीं कहलाता है। देखो क्यों, ये लिखना मत, दिस इज नॉट ए टेक्निकली स्लोप फॉर्म। क्यों? क्योंकि देख ध्यान से समझना, स्लोप फॉर्म इज स्ट्रिक्टली y इक्वल्स टू mx प्लस व्हाटएवर। मतलब जो स्लोप फॉर्म होता है उसमें m शुड रिप्रेजेंट स्लोप। बात समझ रहे हैं मेरी? यस सर। है ना, अब तूने स्वाइप करके जो लिखा है ये बेसिकली टेंजेंट तो है बट स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट नहीं है। क्योंकि तू एक बात बता, यहाँ पे स्मॉल m स्लोप है क्या तेरा? एक बार देख ऐसे लिख ले इसको, स्मॉल m स्लोप है क्या? No, sir. नहीं, तो स्लोप फॉर्म में स्लोप आना जरूरी है। यहाँ पे अपन से बस गड़बड़ी क्या हो रही है कि यहाँ पे अपन ने स्लोप नहीं लिखा हुआ है। तो देख इसका एक्चुअल स्लोप लेस है कैपिटल m है, तो एक्चुअल स्लोप क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना? यस सर। तो कैपिटल m अगर स्लोप है तो तेरे को इक्वेशन लिखना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल m। तो जहां जहां पे m दिख रहा है वहां वहां पे कैपिटल m लिख दे, तो ये बन जाएगा। अब m का LCM ले तो ये बन रहा है, देख ये स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट है टेक्निकली, क्योंकि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट मतलब y इक्वल्स टू स्लोप x प्लस व्हाटएवर, m हैज टू बी स्लोप। बट मैंने स्वैप करने के बाद ये गलती कर दी कि इसमें m स्लोप नहीं रहा, तो आई कैन नॉट कॉल दिस स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ओके सर, गॉट इट। ऑलराइट, यस। सो तो फिर वो सिर्फ एक मेयर कोइंसिडेंस था कि वो सॉल्व हो गया? नहीं, मेयर कोइंसिडेंस नहीं था। देख ये जो लाइन थी, ये लाइन मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये लाइन टेंजेंट तो है, ऑफ कोर्स ये टेंजेंट है x पर इक्वल टू 4ay को, ऑफ कोर्स दिस इज अ टेंजेंट टू y x पर इक्वल टू 4ay। बस ये क्या नहीं है? स्लोप फॉर्म में, बस ऑफ कोर्स ये टेंजेंट है, ऑफ कोर्स टेंजेंट है। देखना ऐसे लिख लेना, मतलब xt equals to y plus at square, ये तो tangent होता ही है, तो इसको तूने एक तरीके से ऐसे लिख दिया है, तो 1 by t को m लिख दिया एक तरीके से, 1 by t को m लिख दिया तो ये बन गया, बट फॉर्मेट तो वही है ना। तो tangent था तो तूने tangent से ही कंपेयर करा था, तो कुछ गलती नहीं थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 ट्राई करो, क्वेश्चन 2 सॉल्व, क्वेश्चन 2 क्या था मैं खुद ही भूल गया। Find point of contact of slope form of tangent. Question का मतलब समझा? ये होता है slope form of tangent. But इसमें क्या पूछा है कि अगर ये tangent है तो where does it touch the parabola? मतलब इसका point of contact क्या है? निकाल के बताओ। बहुत simple है actually में, but फिर वही बात सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे अभी तक अपन उल्टा करते आ रहे हैं कि अगर पॉइंट गिवन है तो टेंजेंट क्या बनती है? टी इक्वल्स टू जीरो। इस बार उल्टा दे दिया है, टेंजेंट गिवन है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? सोचो, क्वेश्चन लिखा दो ना एक बार पूरा। यही है क्वेश्चन कि अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट लेना है पूरा क्वेश्चन। थैंक यू सर। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट के बारे में अपन को क्या पता है कि दिस लाइन हैज स्लोप m एंड इट इज टेंजेंट टू y स्क्वायर इक्वल टू 4a। बट इसमें अनफॉर्चुनेटली अपन को क्या नहीं पता है कि टेंजेंट एट विच पॉइंट। ये देखो
कार्टेशियन में पता था किस पॉइंट पे टेंजेंट होता था, कार्टेशियन में पता था एक्स वन वाई वन पे, पैरामेट्रिक में भी पता था ये लाइन जो ऐसे पर्पल जो ऐसे पिंकिश कलर के अंदर लिखा है ये लाइन टेंजेंट तो है बट ये किस पॉइंट पे टेंजेंट है फॉर्चुनेटली ये भी पता होता था 80 square, 280, बट स्लोप फॉर्म कहाँ पे टेंजेंट होगा वो निकाल के बताओ, सोचो अभी तक जो करते आ रहे ना वही चीज फिर से करना है। सॉल्व से बेटर और कुछ अमे सॉल्व से बेटर, इज देयर एनीथिंग बेटर देन सॉल्विंग? ये पैराबोला से सॉल्व करना थोड़ा घटिया लगेगा मुझे, उससे बेटर मुझे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं पता है तो क्या करूं? करेक्ट पूर्णा, वेरी गुड। इनफैक्ट व्हाई डू यू इवन अज्यूम कोऑर्डिनेट, वो अपन को पता ही है पहले से ही पूर्णा, अपन को पता ही है ना सब कुछ, अपन ने लिख के रखा है। ये लाइन कहां पे टच करेगी मुझे क्या पता, तो क्या करा जाए? ऐसे कर लो, लेट इट टच एट सम पॉइंट एक्स वन वाई वन, बट अगर ये एक्स वन वाई वन पे टच कर रहा है देन इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? अगर ये एक्स वन वाई वन पे टेंजेंट है तो इसकी इक्वेशन मस्ट बी सानिध्या, वेरी गुड सानिध्या, तेरा आंसर सही है। आर्यन यू आर ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन बट यू नीड टू गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ एम। हाँ तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए यार, इक्वेशन तो फिर टी इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए है ना? Yes, sir. ये इक्वेशन होनी चाहिए बट इक्वेशन ऑलरेडी क्या गिवन है ये, तो इन दोनों को फिर से क्या कर लो, कंपेयर, सीधी बात नो बकवास, तो कंपेयर करो x अपॉन x, तो m अपॉन 2a इज y अपॉन y, तो माइनस वन अपॉन माइनस वाई वन, और x x से क्या बन जाएगा a बाय m और फिर 2a x1, तो x1 y1 ढूंढना है बच्चों, तो y1 तो क्या मिल गया है 2a by m, सीधे सीधे यहाँ से y1 मिल गया है, और x1 क्या मिल जाएगा इन दोनों से फर्स्ट और थर्ड से, पहले ये कैंसिल कर दो, x1 is a by m square, a by m square करता हूँ, so point of contact is x1 y1 मतलब a by m square comma 2a by m, parametric से भी compare कर सकते थे, you could have compared this with parametric also, आपकी मर्जी, तो 80 square comma TAT 280 but T की value 1 by m आ जाती, तो a by m square comma 2a by m, ठीक है? उसी concept को मैं अलग अलग तरीके से आपको use करके दिखा रहा हूं। चलो question 3 का first part try करो, इसको copy करने के बाद सेकेंड इक्वेशन कैसे आया था? सेकेंड इक्वेशन, अरे देख उसने बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ढूंढो, मैंने बोला चल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 है, बट अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 है तो टेंजेंट होना चाहिए t इक्वल्स टू 0 है ना? अगर x1 y1 पर टच कर रहा है तो x1 y1 पे टच कर रहा है तो टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल्स टू 0 मतलब ये होनी चाहिए। ओके सर, टेंजेंट ऑलरेडी गिवन है तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया तो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया। I could have easily compared with parametric also, क्योंकि parametric में मुझे पता है कि parametric equation of tangent touches at 80 square 280 simple। Third का first part करके बताओ। किसी ने स्क्रीनशॉट लिया तो ग्रुप पे पोस्ट कर दो जस्ट इन केस। सर आप एक मिनट, थोड़ा मेरे को डाउट है। बोलो। नहीं इससे रिलेटेड थोड़ा पहले का है वो। कौन सा क्वेश्चन? नहीं नहीं ऐसे लास्ट लेक्चर का है वो, थोड़ा बाद में पूछो कि बाद में? अभी पूछ ले जब तक बाकी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, पूछ ले। सर तो आपने लास्ट लेक्चर एग्जांपल दिया था व्हाइल एक्सप्लेनिंग ना कि जब वो y इक्वल टू 4x से कंपेयर करना होता है। हां तो सर मेरे को एक स्टेप समझ नहीं आया उस क्वेश्चन में। कौन सा? y plus x तो होल इक्वल टू 8y minus x। हां ठीक है, उसमें क्या हुआ बताओ। सर तो आपने एक
हाँ तो when you come when you make it into a normal form हाँ y plus x divide by root of the whole square equal to हाँ 8 को आपने 4 root of कैसे लिख दिया अबे हवा में से थोड़ी आएगा root 2 तूने rearrange करा एक तरीके से multiply divide करा है तो देख ये root 2 cancel हो रहा है और ये root 2 का square into 4 8 हो रहा है तो मैंने वो 8 को redistribute कर दिया है बात समझ रहा है नहीं अबे क्या बात कर रहे थे ये देख तेरे को इसके नीचे क्या चाहिए रूट टू ना तो तू ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा हवा में से नहीं लेके आएगा तो एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन रूट टू तो ये रूट टू अगर है तो बाहर एक टू आएगा कि नहीं पता मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा है ना अरे बट एक मिनट अरे इसके नीचे रूट टू आ रहा है तो ऊपर भी रूट टू आएगा ना इसलिए एक मल्टीप्लाई डिवाइड यस नहीं समझ आ रहा अरे मतलब क्या समझो इसमें तू मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा मेरे भाई आपने ऊपर नोट्स पे लिखा है ax plus by plus c divide by root over a square plus b square हाँ तो इसका a square plus b square 1 plus 1 ही तो है हाँ तो वो root 2 अगर तो आप 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो अबे ये root 2 आएगा कहाँ से हवा में से थोड़ी आएगा मल्टी अबे तू जनरली अगर तेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x तो तू जनरली x को x by 2 थोड़ी लिख देता है तू यही करेगा ना मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा ना हवा में से कहाँ से लाके आएगा 2 समझ गया तो इसका टू मत तूने मल्टीप्लाई डिवाइड करा और इसके राइट साइड के लिए भी तूने एक रूट टू एडजस्ट करा होगा ठीक है तो दिस इज व्हाट इट मेंट व्हेन यू सेड कि यू हैव टू नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज मतलब इस फॉर्म में लिखो तो यू टैकल द कांस्टेंट टर्म्स तो अब देख क्या बच रहा है ये लाइन नॉर्मलाइज हो गया हाँ नहीं यार समझ गया आगे समझ जाऊंगा ठीक हाँ अब ये फोर रूट टू बच रहा है अब समझा हाँ हाँ समझ ठीक है चलो बाकी लोग थर्ड का फर्स्ट पार्ट Prove that circle with focal radius as diameter, touches tangent at vertex. Tangent at vertex बोले तो y axis. क्योंकि तुम्हें हर question किस में prove करना है literally my square equals to 4x में. तो तुम्हें बस ये prove करना है circle with that as diameter touches y axis. करके बताओ बहुत आसान है. Circle line को touch कर रहा है ये prove करने के लिए क्या करते थे? Perpendicular distance. बस तो बस उसको कंप्लीट कर लो जल्दी से सब कोऑर्डिनेट्स पता है अपन को कोई सा भी फोकल कॉर्ड लो बट दिस इज डायमीटर सॉरी फोकल रेडियस लो उसको डायमीटर बना के सर्कल बनाओगे तो हमेशा वो वाई एक्सिस को टच करेगा चलो बताओ हो गया प्रूफ सर्कल विथ फोकल रेडियस एज डायमीटर टचेस टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब फिलहाल वाई एक्सिस तो ये रहा अपना टेंजेंट एट वर्टेक्स ठीक है
सर्कल विद फोकल रेडियस इज डायमीटर, मतलब कौन सा कलर ये ले लेते हैं, तो एक कोई सा भी पॉइंट ले लो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो कोई सा भी पॉइंट लो, ऑल पॉसिबल फोकल रेडाई कुछ भी ले लो, अब इसको डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओ, ठीक है, तो इसको डायमीटर मान के अगर सर्कल, नहीं यार ये अच्छा नहीं बनेगा, रुको, बिल्कुल भी लग नहीं रहा, वो टेंजेंट होगा, अब लगेगा टेंजेंट, तो ये मान लो फोकस है, तो सर्कल विद फोकल रेडियस इज डायमीटर टचेस डायरेक्ट सॉरी टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब सॉर्ट ऑफ ऐसा चलेगा, प्रूव दैट इट टचेस वाई एक्सिस, तो कैसे प्रूव करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस ऑल यू नीड टू प्रूव इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मस्ट बी रेडियस, तो देखो ये सर्कल का रेडियस क्या है, पी एस डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, यस और नो, ए प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, और सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो उसका सेंटर निकाल सकते हैं क्या, हाँ, दिस प्लस दिस बाय टू कॉमा दिस प्लस दिस बाय टू, तो सेंटर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या हो गया, हो गया क्या प्रूफ, पीपल राइट अप टेंजेंट खत्म, नो नहीं समझा, नहीं सर, ये जो लिखा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस केम आउट टू बी सेम एज रेडियस, एंड स्टच खत्म, yes that's it, second part bhi similar hai, try karke aao chalo, theek hai, aaj ke liye itna kafi hai, but I want you guys to go through all these questions, karke aana ye questions, skip mat karna kyunki next lecture apan tangent pe aur practice karenge, theek hai, to ye revise karke aana, thank you sir, okay chalo, to main iska wo de deta hu pdf 2-5 minute mein, but aaj ke liye itna kafi hai, but questions skip mat karna please, karke aana, थैंक यू सर, चलो बाय, थैंक यू सर, बाय, गुड डे। बाय बाय, गुड डे। बाय सर, चलो बाय।